啊！你别笑。हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आर के टेक्नोवर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा गाइस। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा गाइस। गाइस इसमें जितना भी ट्यूटोरियल लगा है गाइस, सारा ट्यूटोरियल मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा कर के ज्वाइन कीजिए और आप भी इस तरीका का वीडियो बना सकते हैं। तो वहां से ट्यूटोरियल डाउनलोड करके आप भी वीडियो को बनाइए गाइस। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करेंगे और क्रिएट न्यू पर क्लिक करके 9:16 को सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करेंगे गाइस, जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मोबाइल को ट्रोपेड पर रख करके आप भी वीडियो को इस तरीका से शूट कर लीजिए गाइस। तो देख लेते हैं चला करके गाइज। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा गाइज। और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वीडियो के एंड तक देखना गाइज। तो आप भी इस तरीका से वीडियो को बना सकते हैं गाइज। शूट करने के बाद गाइज वीडियो के एंड में थोड़ा सा खाली बैकग्राउंड का भी वीडियो शूट कर लीजिएगा गाइज और उसका एक फोटो कैप्चर कर लीजिएगा गाइज। करने के बाद गाइज जो बाकी पार्ट रिफ्यूज है उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद गाइज ये लड़का जहां सिर को उठा रहा है वहां एक कट लगाना है गाइज। कट लगाने के बाद गाइज वीडियो के शुरू में ही एक फोटो को कैप्चर कर लेना है गाइज। तो देखिए कर लें गाइज। उसके बाद जहां पर कट लगा है वहां पर क्लिक करेंगे और लेयर पर क्लिक करके गाइज एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइज हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा करके वीडियो के एंड तक रखना है। एंड से पहले ही थोड़ा सा रखना है गाइज, जहां ये सिर को छोड़ रहा है हाथ से वहीं तक रखना है ये बैकग्राउंड को गाइज। उसके बाद क्रॉप करके इसको हम वृत्त की तरह गोल कर लेंगे गाइज, ताकि ये सिर जो है गाइज इसका इस बैकग्राउंड में हाइड हो सके, छुप सके गाइज। तो देखिए उसके करने के बाद गाइज हम इसका कलर को ग्रीन कर लिए गाइज। तो आप भी इस तरीका से कर लीजिए गाइज। तो देख लीजिए किस तरीका से हम इसका सिर को जो है हाइड कर दें गाइज। करने के बाद गाइज इसको हम सेव कर लेते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक गाइज। रुको जरा, सबर करो। इसके बाद हम फिर बैक चले आएंगे गाइज। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा गाइज, ताकि इस तरीका का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जितना भी ट्यूटोरियल लगा है गाइज, सारा ट्यूटोरियल मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा गाइज। तो जाकर के ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैक आने के बाद गाइज इरेजर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और लोड फोटो पर क्लिक करके जो फोटो हम कैप्चर किए थे उसको हम सेलेक्ट करेंगे गाइज। सेलेक्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ सिर को ही रखना है गाइज, बाकी को इरेजर से हम इसको डिलीट कर देंगे गाइज। तो देखिए किस तरीका से हम कर दिए अपना गाइज, आप भी अपना अनुसार कर लीजिए गाइज। करने के बाद गाइज फिर हम बैक चले जाएंगे वहीं काइन मास्टर में गाइज, ये सिर को जो है वहाँ फिट करना है गाइज। तो बने रहिए और देखते रहिए, आप भी इस तरीका से कर सकते हैं गाइज। और इस तरीका का वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइज। तो सेव कर लिए, फिर आ गए काइन मास्टर में गाइज। क्रिएट न्यू पर क्लिक करके साइज को सेलेक्ट करें, क्रिएट पर क्लिक करें गाइज। जो फोटो खाली बैकग्राउंड का कैप्चर किए थे गाइज उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइज इसका ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, जो वीडियो सेव किए थे अभी गाइज उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है फुल स्क्रीन में इसको हम फिट कर देंगे वीडियो को गाइज। करने के बाद गाइज इसका जो है क्रोमा की से ग्रीन स्क्रीन को हटाना है गाइज। तो देखिए हम जो है फिट कर दें, उसके बाद जो है क्रोमा की वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे और इसको एनेबल कर देंगे। तो देखिए
इनेबल कर दिए और यहाँ से कलर को ग्रीन सिलेक्ट करके और इसको हम इनेबल कर दें गाइज। तो इसका सिर जो है ये हट गया गाइज। अब जो है यहाँ पर उसको फिट करना है सिर को गाइज, तो बने रहिए और आप भी कर सकते हैं गाइज। तो पहले इसमें एक कट लगा देंगे जहाँ से ये सिर को ऊपर की तरफ उठा रहा है गाइज। तो देखिए ये यहाँ पर उठा रहा है, यहाँ पर एक कट लगा देंगे। उसके बाद जो है लगाने के बाद गाइज यहाँ लेयर पर क्लिक करके जो फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव किए थे उसको सेलेक्ट कर लें गाइज सिर वाला। करने के बाद गाइज इसको हम देखिए फुल स्क्रीन में फिट कर देते हैं, उसके बाद इसका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे और वीडियो के एंड से पहले ही थोड़ा सा रखेंगे जहाँ ये मैच हो जाए, जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन को हम सेट किए थे वहीं तक रखेंगे। उसके बाद गाइज ये फोटो पर क्लिक करेंगे जो हेड वाला सेट किए हैं, उसके बाद क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को स्किप करते जाएंगे। जैसे जैसे ये हाथ को ऊपर उठा रहा है वैसे वैसे ये जो है सिर को उसके हाथ के पास रखेंगे। जैसे जैसे हाथ जाएगा गाइज वैसे वैसे सिर को उसके हाथ के पास लाना है गाइज और नीचे तक करना है गाइज। ऐसे करके क्रोमा की लगाते जाइएगा आप, सिर्फ हाथ को जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे सिर को उसके हाथ के पास रखना है गाइज और ये पूरा फिट हो जाएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए हम किस तरीका से कर रहे हैं गाइज, तो आप भी कर लीजिए गाइज। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो बनाने में और भी इंटरेस्ट आता है गाइज। तो गाइज अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब पर दिया हुआ है, तो जा करके कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे गाइज। तो गाइज देख लिए किस तरीका से हमने इसको सेट कर दिया क्रोमा की। उसके बाद गाइज इसको एक बार देख लेते हैं चलाकर गाइज, और मेरा वीडियो बन करके तैयार हो गया गाइज। और इसमें जितना भी ट्यूटोरियल लगा है गाइज सारा ट्यूटोरियल मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइज, तो जा करके ज्वाइन कीजिए। तो हो गया गाइज। उसके बाद जो गाइज ये थोड़ा सा रिफ्यूज पार्ट है उसको डिलीट कर दिए गाइज। तो गाइज इसको हम सेव कर लेते हैं। गाइज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा गाइज। इस तरीका का वीडियो हम लाते रहते हैं गाइज। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।